15.2.2 कौन कौन सी बातें मतदाताओं पर प्रभाव डालती हैं। मतदाता मताधिकार का प्रयोग करते समय अनेक कारणों से प्रभावित होते हैं। मतदाताओं के सामने एक ओर देश के व्यापक हित और नीतिगत बातों पर राय आदि तत्व महत्व रखते हैं, लेकिन साथ साथ अक्सर संकुचित हित जैसे जाति, धर्म, क्षेत्रीयता, भाषावाद, स्थानीय ताकतवर लोगों का प्रभाव भी मतदाताओं के व्यवहार को प्रभावित करते हैं। अक्सर यह भी देखा जाता है कि कई उम्मीदवार नीतिगत बातों की जगह पैसे, शराब और अन्य तोहफों के माध्यम से मतदाताओं को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। राजनीतिक विश्लेषण करने वाले यह भी बताते हैं कि जहां मतदाताओं को लगे कि देश के कुछ व्यापक हित खतरे में हैं या फिर नीतियों में कुछ मूलभूत परिवर्तन की आवश्यकता है, तब इन संकुचित हितों को भुलाकर लोगों ने मतदान किया। उदाहरण के लिए 1977 के चुनाव में जब लोकतंत्र के समक्ष आपातकाल एक खतरा बना, तब भारी मतदान करते हुए मतदाताओं ने आपातकाल का विरोध किया। इसी तरह 1984 में जब इंदिरा गांधी की हत्या हुई, एक बार फिर भारी मतदान हुआ और लोगों ने कांग्रेस को अभूतपूर्व बहुमत दिया। आमतौर पर यह देखा गया कि मतदाता निवर्तमान सरकार का कामकाज, उम्मीदवारों का निजी गुण और संपर्क तथा दलों की घोषणाओं में दर्ज लोकहितकारी वायदे आदि के प्रति संवेदनशील होते हैं। वर्तमान में टीवी, सामाजिक मीडिया और पत्रिकाओं के माध्यम से किए गए प्रचार से भी मतदाता काफ़ी प्रभावित हो रहे हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारत में मतदान व्यवहार को अनेक तत्व प्रभावित करते हैं, लेकिन अलग अलग समय तथा क्षेत्रों में ये तत्व भिन्न हो सकते हैं। किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था की मजबूती के लिए यह आवश्यक है कि मतदाता चुनाव में भाग लें। मतदान करने से पहले वे सभी परिस्थितियों का आकलन करें और उसके आधार पर मतदान का निर्णय लें।